जरूर रहेगा। कितने स्टार देंगे? मैं 4.5 स्टार दूंगा। कैसी लगी? अच्छी मूवी थी, इंटरेस्टिंग, बहुत मजा, एक्शन अच्छा था। हाँ, बिल्कुल। हम तो साउथ मूवी को वैसे ही पसंद करते हैं। बहुत अच्छा। कितने स्टार देंगे फाइनल? 4.5। देख ही नहीं पाया। कितने स्टार देंगे पूरे? फुल पैसा उसमें। नहीं सर, अगली बार देख के देंगे, इस बार पूरी मूवी अच्छे से नहीं देख पाए। एक्शन कैसा? बहुत धासु एक्शन, अलग ही लेवल का इस मूवी का। सर कैसी लगी कार्तिकेय 2? बहुत बहुत ही शानदार फिल्म है, बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा फिल्म को देखने का। फुल थिएटरिकल एक्सपीरियंस वाली फिल्म है, क्या थिएटर में बैठ के उसका प्रॉपर मजा लीजिए। एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देने वाली फिल्म है, क्योंकि उसका रीज़न है कि फिल्म में बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर पैदा किया है। थ्रिलर बहुत बेहतरीन चल रहा है, सस्पेंस जिस तरह से क्रिएट किया एक के बाद एक, फिर सेकेंड हाफ में जिस तरह से चीज़ें खुलती है, बहुत बड़े एक एडवेंचरस ड्रामा है, आपको मजा आएगा। देखिए ऐसी वाली एक्सपेक्टेशन मेरी विक्रांत रोना से थी पर्सनली, कि विक्रांत रोना थोड़ी एडवेंचरस लग रही थी, लेकिन उतनी ज़्यादा बेहतर वो फिल्म नहीं लिख ली जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी। विक्रांत रोना ने कहीं ना कहीं मुझे अंदर ही अंदर निराश किया है, ठीक है। कई चीज़ें प्रेडिक्टेबल मेरे लिए तो हो गई थी, मुझे कुछ नहीं, क्योंकि वो रंगी थारंगा जो फिल्म थी उसकी सेम वैसी थी, तो वो ऑलमोस्ट लग रहा था सब कुछ प्रेडिक्टेबल था। तो खैर इसके बारे में बात करें तो ये फिल्म मुझे बहुत बढ़िया लगी, कार्तिकेय 2। उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी इस फिल्म से, इसने उम्मीद से कहीं गुना बेहतर परफॉर्म भी किया। फिल्म बहुत अच्छी भी लगी, मुझे भी पसंद। ऑडियंस बहुत कम आ रही है, हालांकि यह हिंदी के अगर हम दर्शकों की बात करें बहुत कम ऑडियंस आ रही है, आ ही नहीं रही है, काफ़ी कम है देखने को, लेकिन बढ़िया मज़ा आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे लोग ऑडियंस देखेंगे। मुझे लगता है साउथ में फिल्म धमाल मचा रही होगी, मेरे ख्याल से मचानी भी चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया फिल्म है, बढ़िया मज़ा आया। अनुपम खेर सर का काम बहुत अच्छा, हिंदी एक्टर है। सिद्धार्थ ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया, निखिल सिद्धार्थ ने बहुत बढ़िया काम किया, अनुपमा जो एक्ट्रेस है उनका भी काम बहुत अच्छा है, ओवरऑल बहुत बढ़िया। मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा इस फिल्म में कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो दो चीज़ें लगी हैं। पहली चीज़ की बात करूँ तो VFX, अनबिलीवेबल VFX, इतने गजब के, इतना बेहतरीन क्रिएट किया, वाह मज़ा आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा फुल थिएटरिकल एक्सपीरियंस वाली फिल्म में थिएटर में ही देख सकते हो, TV पे या OTT पे आने का इंतजार मत करना, थिएटर में जाकर आज ही देखो। दूसरी चीज़ सबसे अच्छी जो इस फिल्म की था वो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, क्या बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूज़िक है यार, मज़ा ही आ जाता है। मतलब जिस तरह से क्रिएट किया ना वो बिल्कुल साउंड और वो जिस तरह से क्रिएट होता है, वाह मज़ा आ जाएगा। मतलब मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता इस फिल्म को, मज़ा सिर्फ देखने का ही, आप देखोगे तो ही समझ पाओगे, वो जो फीलिंग है वो अंदर आती है तो वो उसकी बात अलग है। तो जाइए ऑडियंस को मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा इस फिल्म को जाके ज़रूर देखिए, बजाय इन दूसरी फिल्मों के इस हफ्ते जो भी रिलीज़ हुई है। कितने स्टार देंगे? 5 में से मैं फिल्म को 4 स्टार दूंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा फिल्म पसंद आई।